किसान बाजरे की फसल की खरीद नहीं होने के कारण परेशान है राजस्थान में। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, MSP केंद्र सरकार तय कर चुकी है, बाजरे की फसल राजस्थान में खरीदी नहीं जा रही है, कौन जिम्मेदार है? क्या राजस्थान सरकार की ओर से आपको पत्र लिखा गया केंद्र सरकार को कि हमारे यहाँ की बाजरे की फसल खरीदी जाए? ऐसा है कि राजस्थान की मुख्य क्रॉप है वो बाजरा है, और जिसकी भारत सरकार ने MSP है वो 2250 रुपये तय कर दिए, लेकिन आज भी किसान को 1300-1400 रुपये के अंदर बाजरा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य सरकार को कई बार कह दिया कि वो यहाँ से पत्र लिखे भारत सरकार को, ताकि किसान की बाजरी खरीदी जा सके। अभी तक राजस्थान की सरकार से हमारे पास में कोई पत्र नहीं आया जिसकी वजह से हम बाजरा खरीद सकें, और मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार की हठधर्मिता है कि किसान का कहीं कल्याण न हो जाए और उसको लाभ न मिल जाए, इसलिए ये कुंडली मार के बैठी। वास्तव में किसान को अगर लाभ देना है तो उसके लिए किसान की बाजरी MSP पर खरीद हो, तो इस दिशा में भारत सरकार है वो खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार से अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। राजस्थान सरकार के अधिकारी कहते हैं केंद्र सरकार ने एक बड़ी शर्त लगा दी है कि हम MSP पर बाजरा तो खरीद लेंगे, लेकिन राशन की दुकानों में बाजरे को ही देना पड़ेगा, आपको गेहूँ चावल कम दिया जाएगा राजस्थान सरकार को। ऐसा है कि 2023 मिलेट्स ईयर मनाया जाएगा। आज पूरे देश के अंदर जैसा कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे कुपोषण की समस्या को देखें, तो आज बाजरा एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर बाजरा, रागी या ज्वार है, जिससे निश्चित रूप से ये अपन खाद्य सामग्री के तौर पर भविष्य में देना भी है, और पूरे विश्व के अंदर खाद्य ये मिलेट्स ईयर मनाया जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बाजरे का बड़ा महत्व है, और बाजरे को अगर राजस्थान हो या राजस्थान के अंदर कहीं पर भी अगर कुपोषित व्यक्ति है, वहाँ बच्चे हैं, या वहाँ पर अगर देने में, तो कहाँ वो कोता जरूर आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पर नहीं दे। अगर गेहूँ देना है तो गेहूँ दे, बाजरा देना है तो बाजरा दे। MSP पर जब खरीद होगी तभी तो वो देंगे। किस व्यक्ति ने मना किया कि बाजरा हम नहीं खाएंगे? जिसको गेहूँ खाना वो गेहूँ खाए, जिसको बाजरा खाना वो बाजरा खाए, लेकिन इसके लिए भारत राजस्थान की सरकार कम से कम खरीद तो करे, खरीद कर जहाँ पर देना है वहाँ पर दे। सर, आप केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि हरियाणा राजस्थान के किसानों का बाजरा नहीं खरीद रहा, हर साल खरीदता था, वहाँ BJP की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, पार्टी से अलग अगर हटके भी बात करें, क्या हरियाणा सरकार को कहेंगे कि थोड़ा बहुत खरीद ले राजस्थान की सरकार से? क्योंकि आप जहाँ से आते हैं, जिस मारवाड़ रीजन से आते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी फसल के किसान हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरियाणा सरकार को कि वह वहाँ के किसानों की बाजरे की खरीद करती है, और राजस्थान को राजस्थान के किसानों की बाजरे की खरीद करने के लिए उनको भारत सरकार को पत्र लिखना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा ने पहल की है, वैसे ही राजस्थान के किसानों के लिए राजस्थान की सरकार को करना चाहिए। ये अपने अपने राज्य का होता है, इसलिए हरियाणा सरकार ने अपने किसानों के लिए योजना प्रारंभ की है, तब राजस्थान की सरकार को भी अपने यहाँ पर यहाँ के किसानों के लिए करना चाहिए। यह है कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिन्होंने साफ कह दिया कि राजस्थान सरकार को ही पहल करनी चाहिए, केंद्र सरकार को पत्र लिखकर के राजस्थान के किसानों का बाजरा MSP पर खरीदा जाए, तभी केंद्र सरकार अपनी ओर से MSP पर बाजरे की फसल की खरीद के लिए फंड जारी कर सकती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने पत्र ही नहीं लिखा तो केंद्र सरकार आगे किस तरह का कदम उठाए? कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्री वत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।